अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ पब्लिक सेक्टर की सब इंजीनियर का एक ओरिजिनल पेपर। और ये टेस्ट दोस्तों आज ही यानी 22 जुलाई 2023 को लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आज होने वाली ईटा के पेपर के मुझे कुछ पेजेस मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अंग्रेज़ी वाले पोर्शन में सवाल नंबर 61 है, राहिल इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार। यहाँ पर आउट ऑफ द कार लगेगा, राहिल इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 62 याद कर लीजिए, नायला इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन डिश फैशन डिज़ाइनिंग और प्रिंट मीडिया। यहाँ पर दो जॉब्स की बात हो रही है, नायला जॉब जो है वो ढूंढ रही है या फैशन डिज़ाइन में या प्रिंट मीडिया में। तो दोनों सूरतों में दोस्तों ईदर लगेगा, नायला इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन ईदर फैशन डिज़ाइनिंग और प्रिंट मीडिया, करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 63 है, वी कुड सेव मनी इफ वी बॉट डैश फूड आइटम्स। हम पैसे बचा सकते हैं इफ वी बॉट इकोनॉमिकल फूड आइटम्स, अगर हम कम खर्च चीज़ें खरीदी। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल लगेगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 64 है, द बॉस कैन नॉट कम टू सी यू डैश टुमारो, बाय टुमारो गलत है, टेल टुमारो भी गलत है और अनलेस टुमारो भी गलत है। यहाँ पर अनटेल लगेगा, द बॉस कैन नॉट कम टू सी यू अनटेल टुमारो। तो यहाँ पर व्यूअर्स ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 65 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ करेक्ट स्पेलिंग, कैटास्ट्रोफ, पहला ऑप्शन करेक्ट है, कैटास्ट्रोफ के माने बला आफत या मुसीबत के है। सवाल नंबर 66 में लिखा है कि चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मुजाहिमत करना और असिस्टेंस के माने है मुजाहिमत न करना बल्कि मदद करना। तो रेजिस्टेंस का उलट वर्ड असिस्टेंट बनेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, शी विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर, चेंज इनटू करेक्ट पीसी वाइस, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय हर, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय हर। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये ठीक ऑप्शन है। सवाल नंबर 68 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एनालॉजी का है, ग्रेविटी पुल, पुल की मानी भी अपनी तरफ खींचने की है और ग्रेविटी की मानी भी अपनी तरफ खींचने है। तो ग्रेविटी और पुल ये सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है। यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों हमने सेम मीनिंग वाले वर्ड जो है वो तलाश कर लेने हैं। तो ऑप्शन डी देखिए, मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन, ये दोनों वर्ड एक दूसरे की सेम टू सेम है। तो ग्रेविटी और पुल का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन। सवाल नंबर 69 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, जॉन फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, होमवर्क के बाद दोस्तों ये नज़र आ रहा है सीमी कॉलन लगा है, ये जुदा कर देती है कैथलीन डेड नॉट फिनिश हर। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन करेक्ट बनता है। सवाल नंबर 70 है, डैश बसेज आर सपोज टू डिपार्ट एट अ सर्टन हावर, दे आर ऑफन लेट, यहाँ पर ऑप्शन ए लगेगा, ऑल दो बसेज आर सपोज टू डिपार्ट एट अ सर्टन आवर दे आर ऑफन लेट। सवाल नंबर 71 है, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू स्टेरल, स्टेरल दोस्तों बंजर या गैर आबाद को कहा जाता है, स्टेरल का उलट वर्ड फर्टाइल बनेगा यानी जरखेज। तो स्टेरल का उलट वर्ड फर्टाइल है, ऑप्शन सी ठीक ऑप्शन है। सवाल नंबर 72 है, अलाई हैज़ नो लेग्स, फाइंड द फिगुरेटिव डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, अलाई हैज़ नो लेग्स, जूट के पाव नहीं होते, लेग्स के मानी पाव के है। तो पाव दोस्तों जानदार की होती है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, ये जूट के पाव नहीं होती, अलाई हैज़ नो लेग्स, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑप्शन डी ठीक ऑप्शन है। सवाल नंबर 73 है, द वैन हैड जस्ट लेफ्ट When they came out of their home, यहाँ पर फेल ऑप्शन लगेगा, द वैन हैड जस्ट लेफ्ट when they came out of their home।
सवाल नंबर 74 है, फाइंड द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड वेस्पी। वेस्पी की मानी दोस्तों दरअसल में कमज़ोर या दोवे जैसी के है, जिसे दोवा कहता है ना। तो वेस्पी का सेम मीनिंग वाला वर्ड जो बनता है यहाँ तेन बनेगा। सवाल नंबर 75 है, डैश आइडिया ऑफ रीशेपिंग। यहाँ पर दोस्तों आइडिया जो है ये वावल से शुरू होता है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में एन लगेगा, एन आइडिया ऑफ रीशेपिंग अ बिल्डिंग वाज अनप्लीजेंट इन इटसेल्फ। तो यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 76 है, शी सेड टू मी व्हाट आर यू वियरिंग, चेंज द नेरिएशन। यहाँ पर करेक्ट नेरिएशन ऑप्शन ए है, शी आस्क मी व्हाट आई वाज वियरिंग, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है, एज आवर रूम वाज अपस्टेयर्स सो वी डिडंट हेयर देम, आइडेंटिफाई द अननेसेसरी वर्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों अननेसेसरी वर्ड कौन सा है, याद रखिए अगर जुमला एस से शुरू हो, कोई भी जुमला हो अगर वो जुमला एस से शुरू हो, जैसा कि यहाँ पर एज आवर रूम है, तो जो भी जुमला एस से शुरू हो वहाँ पर सो नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सो जो है ये अननेसेसरी वर्ड है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 78 है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स थिंकिंग लीन्स टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, यहाँ पर टुवर्ड्स लगेगा। सवाल नंबर 79 है, पीपल क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग, यहाँ पर इंस्पायर्ड लगेगा, इंस्पायर्ड ऑफ, लेकिन ऑप्शन ए देखिए इंस्पायर्ड ओ डबल एफ, यहाँ पर ओ डबल एफ ये गलत है, ऑप्शन सी लगेगा, पीपल क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज इंस्पायर्ड ऑफ वार्निंग, लोगों ने टूटा हुआ पुल वार्निंग के बावजूद क्रॉस किया। तो पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर इंस्पायर्ड ऑफ लगेगा, ऑप्शन सी ठीक ऑप्शन है। सवाल नंबर 80 है, साउंडिंग द सेम बट स्पेल्ड डिफरेंटली इज नोन एज, वह अल्फाज जिसके साउंड एक जैसे हो लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ हो उसे होमोफोनस कहा जाता है, ऑप्शन डी ठीक ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर सन और सन, एक सन बेटे को कहा जाता है, इसके साउंड जो है दूसरे सन के साथ सेम टू सेम है, और दूसरा एस यू एन सन सूरज को कहा जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर डी ठीक ऑप्शन है। तो दोस्तों ये रहा आज होने वाली सब इंजीनियर की ईटा टेस्ट का पहला हिस्सा, इसके बाद बाकी सवाल जो है वह पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।